आज का वचन हमने लिया है निर्गमन की किताब से। पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिर उसके बाद हमारी बहन पढ़ेंगी। निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका पहले से तीसरा, हालेलुया। यानी कि निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 14:1-3 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहे कि वे पीछे हटकर मिगदोल और समुद्र के मध्य पीहाही रोत के सामने छावनी डालें। तुम समुद्र के तट पर ठीक बाल सपोन के सामने छावनी डालना, क्योंकि फिरौन इसराइलियों के विषय में कहेगा, वे तो भूमि पर इधर उधर भटक रहे हैं और वे जंगल में घिर गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस हमें क्या बताता है? इफिसियों 3:16-19 के बीच में पौलुस हमें बताता है कि प्रार्थना करो ताकि हम परमेश्वर के, ताकि हम यीशु मसीह के उस प्यार को जान सके जो ज्ञान से परे है। मेरे भाई, हम यीशु मसीह के उस प्यार को कब जानेंगे? जब हम खुद को जानेंगे कि हम यीशु मसीह में कौन है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे कि हम यीशु मसीह में कौन है, तब तक हम उसके प्यार को नहीं जान पाएंगे। हालेलुया। नू के जहाज में जब नू और उसका परिवार जहाज के अंदर गया था, परमेश्वर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। क्यों? ताकि नू और उसका जहाज और संसार जाने कि परमेश्वर की दृष्टि में नू क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मार्था और मरियम के सामने यीशु मसीह रोया। क्यों रोया? ताकि मार्था मरियम जान सके कि यीशु मसीह की दृष्टि में वो लोग कौन है, वो कौन है यीशु मसीह में। हमें जानने की बहुत जरूरत है कि हम कौन है यीशु मसीह में। जब तक हम नहीं जानेंगे कि हम कौन है यीशु मसीह में, हम उस आशीष को नहीं पा पाएंगे, हम परमेश्वर के प्रेम को चख नहीं पाएंगे। यीशु के प्यार को चखना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई। यीशु के प्यार को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। इसलिए उसके प्यार को जानने के लिए हमें खुद को जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा हमें क्या दिया है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम यीशु मसीह में कौन है, हमारा डर निकल जाएगा, हमारी इनसिक्योरिटी निकल जाएगी, असुरक्षा निकल जाएगी, बंधन टूट जाएंगे, हम आशीष पाएंगे, हम सुख पाएंगे, आनंद पाएंगे। जिस दिन हम जान जाएंगे कि यीशु मसीह में मैं कौन हूं। हालेलुया। मरियम जान चुकी थी कि यीशु मसीह में मैं कौन हूं। मरियम जान चुकी थी कि परमेश्वर में मैं कौन हूं। इसलिए जब दूत आया, जिब्राइल दूत आया और उसने कहा कि तेरी कोख को परमेश्वर, तेरी कोख के द्वारा परमेश्वर अपने पुत्र का जन्म करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरियम क्या बोली? कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उस कुमारी को मां बनाना चाहता था। संसार के लिए वो संकट की घड़ी थी। आपका संसार के लिए क्या था? एक कुमारी मां बन रही है। लेकिन मरियम ने जान लिया था कि मुझे परमेश्वर उपयोग करना चाहता है। वो परमेश्वर के प्रेम को समझ गई थी कि परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए कितना है, क्योंकि वो जान गई थी कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं। इसलिए उसे संसार की परवाह नहीं की, अपने पति की परवाह नहीं की, उसने उस बीज को कबूल किया। और बाइबल कहती है, वो बताती है लूका 1:46-50 के बीच में कि मैं धन्य हूं जिसने परमेश्वर को पाया, लोग आने वाली पीढ़ी मुझे धन्य कहेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो यीशु मसीह में कौन है। उसने संकट उठाया, वो दर दर भटकी उस बच्चे को लेकर बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वो प्रेम उसके साथ बना हुआ था। परमेश्वर का वह प्रेम उसके साथ था, वो शक्ति उसके साथ थी जो प्रभु की है। इसलिए वो जान गई कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं। जिस दिन आप जान जाएंगे कि यीशु मसीह में आप कौन है, उस दिन आपकी चाल अलग होगी, जीने का तरीका अलग होगा, बैठने का तरीका अलग होगा, किसी से बात करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आप यीशु मसीह में कौन है। ये लोग नहीं जानते थे। मिस्र से इसराइलियों को परमेश्वर लेकर आया। आप अगर जानते हैं निर्गमन की किताब, आपने देखा होगा कई परमेश्वर ने चमत्कार किए, अद्भुत चमत्कार किए। लाल समुद्र को दो भागों में बांटना था, लेकिन जब जंगल से लेकर आया, फिरौन के दासत्व से, उस गुलामी से छुड़ा कर लाया, और उसने क्या कहा? समुद्र के बीचों बीच बैठ जाओ। इसराइली नहीं समझ पाए।
वो समुद्र के बीचों बीच बैठे थे और कह रहे थे हम कहां जाएंगे, क्योंकि पीछे तो फिरौन की सेना है, पीछे दुश्मन है, आगे समुद्र है, हम कहां जाएंगे, कि क्या किया परमेश्वर ने। लेकिन मूसा समझ गया था। हालेलुया, इसी का दसवां पढ़ेंगे हम, इसी का 10 से लेकर 14 के बीच में पढ़ेंगे। तब फिरौन निकट आया तो इसराइलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं, तब वे अत्यंत डर गए, अतः इसराइली चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। तब उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं कि तू हमें यहां जंगल में मरने के लिए लेकर आ गया? तूने हमारे साथ ये क्या किया कि हमें मिस्र से निकाल लाया? क्या हम मिस्र में तुझसे नहीं कहते थे कि हमें अकेला छोड़ दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? क्योंकि हमारे लिए जंगल में मरने से अच्छा होता कि हम मिस्रियों की सेवा करते। परंतु मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो उन्हें फिर कभी ना देखोगे, यहोवा तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही तो बताने के लिए यीशु स्वर्ग से धरती पर आया कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए हम अपने दुश्मन को काबिल ना समझें, हम अपनी मुसीबतों को चट्टान ना समझें, क्योंकि वो यहोवा, वो परमेश्वर जो हमारे लिए, हमारे साथ है, हमारे दुश्मन से लड़ने के लिए, हमारी मुसीबतों को हटाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा जान गया था। मूसा क्या कहता है, हे इसराइलियों, हे बेवकूफो, तुम नहीं जानते कि वो अनुग्रहकारी, वो दयालु दाता, वो सर्वशक्तिमान, वो रचयिता जो तुमसे प्यार करता है, वो खुद यहां पर है। हालेलुया। मूसा जान गया था कि वो परमेश्वर की दृष्टि में मैं कौन हूं, हम उसकी आंख की पुतली हैं। हालेलुया। वो क्या हमें यूं छोड़ देगा? क्यों रखा था उसने लाल समुद्र के सामने इजरायलियों को, ताकि इजरायली जाने कि वो परमेश्वर की दृष्टि में कौन है। कभी कभी आपके जीवन में संकट आता है, कभी कभी आपके जीवन में संकट लंबा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर जानना चाहता है कि आप यीशु में कौन हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए किसी भी समस्या को हटाना आम बात है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो रचयिता जिसने आकाश और धरती को बनाया है, वो आपसे प्यार करता है। बोलिए, यीशु मुझसे प्यार करता है। स्वर्ग का बनाने वाला रचयिता मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आप नहीं जानते कि आप लोग कौन हैं उसकी दृष्टि में। हालेलुया। आपसे ज्यादा वो आपको सुख देना चाहता है। आप उन सुखों को जानते नहीं हैं, आप उन सुखों को लेना नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं आप उन सुखों को। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसराइलियों को जब लेकर आया, ये आपका निर्गमन 17:6-7, निर्गमन के द्वारा अगर निर्गमन में देखेंगे, इसराइलियों को जब परमेश्वर लेकर आया तो उन्हें पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे। रपीदीप में आकर वहां पर उन्होंने छावनी डाली, उनको पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। मूसा के साथों के सामने उन्होंने पत्थर उठा लिए। मूसा ने दुहाई देखी, परमेश्वर यहोवा मुझे बता, ये लोग पत्थर से मुझे मारने वाले हैं, मैं इनको पानी कहां से दूं? परमेश्वर क्या कहता है, पढ़िए बेटा 6-7। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा जानता था कि प्रभु कौन है। वो क्या जानता था, कि वो हर पल उसके लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। तू होरे पर्वत पर जाना और मैं वहां तेरे लिए खड़ा रहूंगा। क्या मुसीबत में कभी आपने देखा है कि परमेश्वर आपके लिए खड़ा हुआ है? कभी आपकी मुसीबत में आपने महसूस किया है कि परमेश्वर आपके दाहिनी ओर खड़ा हुआ है, परमेश्वर आपके सामने खड़ा हुआ है, परमेश्वर ने आपके गले लगाया हुआ है? हालेलुया। मेरी बहन, हमें देखना पड़ेगा, हमें वो आंखें दी है परमेश्वर ने कि हमें यीशु को देखना है अपने अंदर, हमें देखना यीशु को अपने पास।
हमें वो आंखें दी है परमेश्वर ने, हमें वो आत्मा दी है परमेश्वर ने, इसलिए हमें डरना नहीं है। इसराइली डर गए थे, मूसा नहीं डरा था। अगला सातवां, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 18 लाख लोग जिनको प्यास लगी थी, जो नहीं जानते थे कि वो यीशु में कौन है, जो नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर में कौन है, वो चट्टान से पानी पी रहे थे। मूसा जो कि जानता था कि वो परमेश्वर में कौन है, वो जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि में वो कौन है, वो क्या कर रहा था? वेदी बना रहा था, वो धन्यवाद दे रहा था। हालेलुया। क्या उसे प्यास नहीं लग रही थी? क्या वो इंसान नहीं था? क्या वो आदमी नहीं था? लेकिन वो उस परमेश्वर को देख रहा था जो संकट में हमेशा उसके साथ रहने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। वो वेदी बना रहा था। मेरे भाई, अगर आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे ना, तो आपकी भूख आपको सताएगी, आपकी प्यास आपको सताएगी। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है कि जीवन की रोटी मैं हूं। उस जीवन को जब आप पा लेंगे, तो ये सांसारिक भूख आपको तड़पाएगी नहीं, ये सांसारिक प्यास आपको कौंधाएगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही आपकी रोटी है, परमेश्वर ही आपका जल है। हालेलुया। मूसा क्या कर रहा था? मूसा जान गया था, इसलिए वो वेदी बना रहा था, वो धन्यवाद दे रहा था कि 18 लाख लोग पानी पी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर के प्यार को आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को जानेंगे कि आप यीशु मसीह में कौन हैं। इसलिए कुलुसियों 1:22 देखिए, क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? कोलोसियन 1:22। जल्दी से पढ़िए बेटा, कोलोसियन, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। पूरा पढ़ो ना, 21 से पढ़ो, 21 से। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। कोलोसियों 1:21-22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्रूस पर क्या हुआ? क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें पवित्र किया, हमें निष्कलंक किया, हमें निष्पापी बनाया। हम ब्रदर यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा पवित्र बन चुके हैं, निष्कलंक हो चुके हैं, निष्पापी हो चुके हैं। वो पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर है, वो निष्कलंकता की शक्ति हमारे अंदर है, वो पवित्रता की शक्ति, वो निष्पापी की शक्ति हमारे अंदर है। अब उसको हमें पहचानना है। जिस दिन आप महसूस करेंगे, जब आप सुबह उठते हैं, आप महसूस करिए कि आप निष्पापी हैं, आप महसूस करिए कि आप निर्दोष हैं, क्योंकि आपके निर्दोषता को यीशु अपने क्रूस पर ले चुका है। मेरे भाई, अभी आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको गिलानी की जरूरत नहीं है, अभी आपको दुख की जरूरत नहीं है, अभी आपको रोने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं भी पापी हूं। नहीं, आपका पाप यीशु मसीह क्रूस पर ले चुका है, आपको निर्दोष बना चुका है वो। हमें उस शक्ति को महसूस करना है। हालेलुया। तालियां ऐसे नहीं, जब हम यीशु मसीह की तालियां बजाएं तो उस तालियों में आवाज होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप महसूस करेंगे कि आप यीशु मसीह में कौन हैं, बोलिए मैं यीशु मसीह में पवित्र हूं। जोर से बोलिए, मैं यीशु मसीह में पवित्र हूं, मैं यीशु मसीह में निष्कलंक हूं, मैं यीशु मसीह में निष्पापी हूं। जिस दिन मेरी बहन, मेरे भाई, आप इस बात को अपने दिल में बसा लेंगे कि आप यीशु मसीह में कौन हैं, जिस दिन आप विश्वास कर लेंगे कि मैं यीशु मसीह में पवित्र हूं, निष्कलंक को निष्पापी हूं, उस दिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जन्म लेगा। उस दिन आप परमेश्वर की शक्ति को जानेंगे, उस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर पाएंगे। उस दिन, इससे पहले तो हमने सुना है कि यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है,
हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें आशीष दिया है, लेकिन हमें महसूस करना है, मुझे महसूस करना है कि मैं निष्पापी हूं, मुझे महसूस करना है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे महसूस करना है कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं। मेरे भाई, जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक असुरक्षा, डर, संदेह के चारों तरफ रहेगा, चारों तरफ रहेगा, और शैतान आपको डराता रहेगा। आज क्या होगा, कल क्या होगा, तेरे भविष्य का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी पत्नी का क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा, तेरे धंधे का क्या होगा। हर पल शैतान आपको डराएगा, क्योंकि आप महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप पवित्र हैं, आप महसूस नहीं करें कि आप शक्तिशाली हैं, आप महसूस नहीं करें कि आप परमेश्वर की औलाद हैं। मेरा पिता कौन है? परमेश्वर। मेरे जमीनी पिता से मिलाने वाला कौन है? मेरा पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप उस शक्ति को जान जाएंगे मेरे भाई, उस दिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जागृत होगा। और जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जागृत होगा, भजन संहिता 91:14, जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जागृत होगा, हालेलुया, जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे, जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर अपने लिए प्रेम देखेगा, भजन संहिता 91:14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, जिस दिन परमेश्वर आपके अंदर अपने लिए प्रेम देखेगा कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मुझसे प्यार कर रहा है। कौन सा प्यार? वो प्यार, वो प्यार जो आपको बताता है कि आप कौन है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी शक्ति क्या है? आपका अस्तित्व क्या है? यीशु की नजरों में आप हैं कौन? प्रेज द लॉर्ड। हम संसार की नजरों में जानने की कोशिश करते हैं, हम संसार की नजरों में जानने की कोशिश करते हैं, मैं कौन, मेरे ऑफिस में मैं मैनेजर हूं या मैं क्लर्क हूं, मैं समाज में कौन हूं, मैनेजर हूं कि नहीं हूं। हालेलुया। आप संसार की नजरों में जानने की कोशिश करते हैं कौन है, लेकिन कभी आप जानने की कोशिश करते हैं कि मैं यीशु मसीह में कौन हूं। जिस दिन हम यीशु मसीह में कौन है जानने की कोशिश करेंगे, उस दिन आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे, भर जाएंगे आप उस दिन परमेश्वर के प्रेम से। और जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा और परमेश्वर आपके अंदर प्रेम देखेगा तो क्या कहेगा? इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसने जो मुझसे प्रेम किया है, मेरे बच्चे ने मुझसे प्रेम किया है, मेरी बेटी ने मुझसे प्रेम किया है, मेरे खोए हुए ने मुझसे प्रेम किया था, जो मर गया था जिंदा हुआ है मुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। उसने जो मुझसे प्रेम किया है, अब मैं उसे छुड़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। किससे छूटेंगे आप? डर से। किससे छूटेंगे आप? असुरक्षा से। किससे छूटेंगे आप? संदेह से। किससे छूटेंगे आप? बीमारियों से। किससे छूटेंगे आप? शैतान से। प्रेज द लॉर्ड। आप आजाद किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, उस प्रेम को आपने महसूस किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप यीशु में जानेंगे कि आप कौन है, इसलिए रोमियो 8:32 क्या कहता है, फिर हम दोबारा इसी में आएंगे। रोमियो 8:32 क्या कहता है कि जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर दिया, क्या वो आपको सब कुछ नहीं दे सकता? क्या वो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता? परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, वो सक्षम है, वो सर्वशक्तिमान है। क्योंकि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि आप नहीं जान रहे हैं कि आप यीशु में कौन हैं। वो चाहता है कि मेरा बच्चा जाने कि मैं कौन हूं, वो चाहता है। क्यों आप पाप में पड़े हुए हैं? क्यों आप में, आपके जीवन में अभी भी अहम है? क्यों है? मैं अहम क्यों है आपके जीवन में? क्योंकि आप जानते नहीं कौन है आप अपनी शक्ति को नहीं जानते, इसलिए आपको अहम है। आपको पता है लूसीफर के अंदर क्या था सबसे बड़ी प्रॉब्लम? अहम, ईगो, मैं,
मैं परमेश्वर के बराबर हो सकता हूं। Praise the Lord। स्वर्ग से किस लिए निकाला गया? क्योंकि उसके अंदर अहम था। इसलिए प्रभु कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। जो मन का दीन है वही स्वर्ग का अधिकारी होगा। जिसमें दीनता है वही प्रभु का होगा। इसलिए यीशु जो स्वर्ग से उतरा, स्वर्ग और धरती और नरक का सारा अधिकार यीशु मसीह पर था, उसके बाद भी उसने अपने चेलों के पैर धोए। उसने बताया कि दीनता क्या होती है। उस स्वर्ग से जमीन पर आया, उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरा पिता मैं उसको करते हुए देखता हूं और मैं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे भाई, जब आप जान जाएंगे कि आप यीशु मसीह में कौन है, तो आप कहेंगे मैं कुछ नहीं हूं। उस दिन आपका कुछ नहीं पैदा होगा, आपका उस दिन आपके अंदर कुछ नहीं पैदा होगा। जिस दिन आप अपनी पवित्रता को जान पाएंगे, जिस दिन आप अपनी शक्ति को जान पाएंगे, जिस दिन आप यीशु मसीह की दृष्टि में अपने आप को पहचान पाएंगे, उस दिन आपके अंदर मैं कुछ नहीं हूं पैदा होगा। मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। प्रेज द लॉर्ड। उसके प्यार को पाना मेरे भाई अद्भुत है, उसके प्यार में रहना। इसलिए वो कहता 91:14, उसने जो मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। मेरा बच्चा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका ऊंचा स्थान कौन सा है? हालेलुया। इस वचन का लोग गलत मतलब समझते हैं कि हम परमेश्वर का प्यार अगर हमारे अंदर होगा तो हमें संसार में ऊंचा स्थान मिलेगा। क्या आप संसार में ऊंचा स्थान चाहते हैं या परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा स्थान चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में आपको ऊंचा स्थान कब मिलेगा? जब आप संसार निकालेंगे, जब आप अपनी शक्ति अपनी पवित्रता को जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, इन 12 चेलों ने, थॉमा ने क्या किया? प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। ये जहां से गुजरते थे लोग आशीष पाते थे। कैसा ऊंचा स्थान चाहिए? कैसा ऊंचा स्थान चाहिए हमें कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने या हम संसार का सुख भोगें? प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए चुना परमेश्वर ने हमें? लोगों के लिए आशीष का कारण बनना। हमें अपनी महत्वता नहीं चाहिए, हमें संसार में अपनी ऊंचाई नहीं चाहिए, हमें संसार में प्रभु की ऊंचाई चाहिए। और प्रभु का ऊंचा स्थान हम कब दिलाएंगे? जब अपने आप को दीन करेंगे, जब हम समर्पित करेंगे प्रभु के चरणों में अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके प्यार को महसूस करने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखेगा। कौन सा ऊंचा स्थान? जो स्वर्गीय स्थान है। उसने क्या कहा है? कुलुसियो 3:2, कि अपनी निगाहें स्वर्ग की वस्तुओं पर लगाओ, संसार की वस्तुओं पर मत लगाओ। हमारी निगाहें कहां लगनी चाहिए? स्वर्गीय वस्तुओं पर। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्थान कहां का है? वहां का है। हम धरती के नहीं है, हम मरे हुए हैं। क्या कहा हुआ है? हेलो, वचन क्या कहता? 3:3, कुलोसियो 3:3, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आगे, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है वचन? क्या मर गए? लिखा है? कितने लोग मरे हुए यहां पर? प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह में मरे हुए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी पोस्टमार्टम देखा है आपके एक मरे हुए इंसान का?
जब उसके शरीर को चीड़ फाड़ करते हैं, देखा है आपने? देखा है वो कुछ कहता है? उसका सामान भी अगर दौलत भी पड़ी होगी उसके लिए, उसका खजाना पड़ा होगा, गाड़ी पड़ी होगी, कुछ भी पड़ा होगा, वो कुछ नहीं कहेगा, आप ले जाइए। कुछ कहेगा वो? कुछ कहेगा? मरा हुआ इंसान, उसके शरीर को काटिए, कुछ नहीं कहेगा। आज हमें कोई थोड़ा सा गुस्सा दिलाता है, हम कहते हैं इसको नहीं छोड़ूंगा, यानी कि हम मरे हुए नहीं हैं। अगर आप मरे हुए हैं तो आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि आप तो मरे हुए हैं। कोई आपको नफरत से बोले, कोई आपको गाली दे, आपको कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, आप मरे हुए हैं। मरे हुए इंसान को कोई गाली देगा वो कुछ बोलेगा? बोलेगा? लेकिन हम बोलते हैं, तो कहाँ के मरे हुए हम कहाँ के मरे हुए? हमारे अंदर अभी भी ईगो है, हम मरे हुए कहाँ है? क्योंकि जब तक हम मरेंगे नहीं, हम यीशु में जिंदा नहीं होंगे। इसलिए मेरी बहन, आज हमारा पिता, आज हमारी माँ, आज हमारा बहन, आज हमारा पड़ोसी, आज हमारा कुलीग, आज हमारा बॉस हमें कुछ कहता है, हमें असर नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो सांसारिक है, वो सांसारिक आदमी है, उसको नहीं पता। अगर हम भी रिएक्ट करेंगे तो हम भी सांसारिक हो जाएंगे। यही तो शैतान चाहता है कि हम सांसारिक हो जाए। नहीं, उसका संसार मुझ में ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें देखना है उसका संसार हम में ना आए। चाहे मेरा पिता है, चाहे मेरा बाप है, चाहे मेरा पति है, चाहे मेरी बीवी है, अगर वो प्रभु में नहीं है तो उसका संसार मुझ में ना आए। हमको देखना है, क्योंकि मैं संसार के लिए मर चुका हूं। मेरी बहन, बपतिस्मे का मतलब क्या है? मरना। जब तक आप मरेंगे नहीं, जिंदा नहीं होंगे। यीशु पहले मरा फिर जिंदा हुआ। अगर आप चाहते हैं कि आप में यीशु रहे तो आपको मरना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, तभी आप यीशु में जी सकते हैं। और मरना भी कैसा? आपको शरीर के एहसास को खत्म करना पड़ेगा। संसार तो आपके बच्चों से, आपके भाइयों से, आपके दोस्तों से आपको चोट पहुंचाएगा, ही पहुंचा, उसका काम है कि वो आपकी आत्मा को नष्ट करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को कितनों ने चोट पहुंचाई, क्या कहा यीशु मसीह ने? आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का आनंद हम में बना रहे, प्रभु की कृपा हम में बनी रहे, प्रभु का आशीष हम में बना रहे। हालेलुया। कष्ट तो आएंगे, दुख तो आएंगे, क्योंकि हम कहां रह रहे हैं? संसार में। हम लोग कहां रह रहे हैं? संसार में। लेकिन कौन है? नई सृष्टि। हम ये भूल जाते हैं कि हम संसार में रहते हुए भी नई सृष्टि हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, तब परमेश्वर आपके अंदर काम करने लगेगा, तब आप परमेश्वर के कार्यों को समझ पाएंगे, तब आप उसके वचनों को समझकर उसके अनुसार चल पाएंगे। जब तक हम संसार के लिए नहीं मरेंगे, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि संसार के लिए मरेंगे तो हमारा जीवन जो परमेश्वर में है उसको हम ले सकेंगे। इसका अगला अगला पार्ट देखिए, तीसरा का पूरा, कुलुसियों 3:3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। हमारा जीवन कहां पर है? मसीह के साथ परमेश्वर में है। हेलो, आपका जीवन कहां है? मसीह कहां है इस समय? कहां पर है मसीह? मुझसे बात करिए, कहां पर है? प्रेज़ द लॉर्ड, जहां मसीह है वहां हमारा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर के पास है, हमें उस जीवन को लेना है,
हमें उस जीवन के लिए जीना है यहां पर, वो जीवन जो दुख था, वो जीवन जिसमें स्वार्थ था, वो जीवन जिसमें ईर्ष्या थी, गुस्सा था, व्यभिचार था, वो तो मर चुका है ना, वो तो जब आप यीशु मसीह में आए वो मर गया ना, अब उसको लेके क्यों चल रहे हैं आप लोग? कोई मरी हुई चीज को लेके चलता है? हेलो, कोई मरी हुई चीज को अगर आप लेके चलेंगे तो क्या होगा? आप एक तो बदबूदार हो जाएंगे, हालेलुया, और जो पवित्रता की शक्ति आपके साथ है वो निकल जाएगी। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आप उस मरी चीज को क्यों लेके चल रहे हैं? वो हमारी है ही नहीं। मैं वो अनिल कोचर नहीं हूं जो पहले था, मैं यीशु मसीह में नया जीवन प्राप्त कर चुका हूं, मुझे अभी उस नए जीवन में जीना है। और नए जीवन की क्या जरूरतें हैं? परमेश्वर का आनंद, प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति, प्रभु की सहनशीलता। प्रेज द लॉर्ड, मुझे इसमें जीना है। अगर कोई चीज मेरी शांति हटाने की कोशिश करेगी, मुझे वहां नहीं जीना है। मुझे परमेश्वर की शांति को नहीं खोना है। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार के लिए उस आनंद को नहीं खोना है मुझे जो परमेश्वर का है। तभी आप उस जीवन को प्राप्त कर पाएंगे जो परमेश्वर में है, क्योंकि आप तो मर चुके हैं, हम मर चुके हैं। आप उस जीवन को कब पहचानेंगे? कब पहचानेंगे आप? जब आप अपने मरे हुए पर विश्वास करेंगे। पहले आज्ञाओं ना मानना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, आज्ञा नहीं माना चलेगा ना, लेकिन आज आज्ञाओं को ना मानना हमारे लिए बहुत पाप है। ये प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं अभी। उस समय जब मैं मरा हुआ था, उस समय जब मैं संसार में था, तो पाप करना मेरे लिए आम बात थी। क्या हुआ? झूठ बोलना क्या है? धोखा देना संसार देता है, किसी के पीठ पे छुरा को अपना करना पड़ता है रहने के लिए। लेकिन आज जब हम प्रभु में आए हैं, हमें सोच समझ कर अपने मुंह से बोलना है। आप जानते हैं? सोच समझ कर अपने मुंह से हमें कोई भी ऐसा शब्द भी नहीं निकालना जो हमें परमेश्वर की महिमा से अलग कर दे। गिनती नंबर 30 का दो, नंबर्स 32, 30 का सेकंड। क्योंकि हम जीवित हैं, हम परमेश्वर में जिंदा हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप हैं कौन, आप प्रभु में कौन है, परमेश्वर आपको किस दृष्टि से देख रहा है। जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, यहोवा की मन्नत माने, वाचा बांधे, या अपने आपको वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, या अपने आपको वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। हाँ, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वो करे। प्रेज द लॉर्ड। हम वो नहीं है जो हमने कहा आज ये कहा कल खत्म कर दिया, आज ये कहा दो मिनट के बाद हम करें, नहीं 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 अभी नहीं, मुझसे नहीं होगा, पहले कहा था अभी नहीं। नहीं, हम परमेश्वर में हैं, हम नई सृष्टि में हैं। हमें उस जीवन को प्राप्त करना है जो परमेश्वर के अंदर मसीह में हमारा छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शपथ हमें यूं ही नहीं लेनी है, परमेश्वर का नाम हमें यूं ही नहीं लेना है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है कि जो मेरा बच्चा जो मुझसे प्रेम करने लगा है, जिस दिन वो आपके अंदर अपना प्रेम देखता है, भजन संहिता 91 का 14, उसके बाद भजन संहिता 84 का 10,
जिस दिन वो आपके अंदर अपने लिए प्रेम देखता है, वो कहता है नहीं मैं अपने बच्चे को, उस दिन आप डर से निकल जाते हैं, असुरक्षा से निकल जाते हैं। कितने लोगों को असुरक्षा है इस समय? यहां पर साफ साफ बताइए, हाथ खड़े करिए, कौन इनसिक्योर है यहां पर इस समय? खड़े करिए हाथ, इनसिक्योरिटी आपके अंदर है। इनसिक्योरिटी से परमेश्वर का प्रेम आपको निकालेगा। जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा ना, आप असुरक्षा से निकल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो कहता है उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जिस दिन आप अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे, जानते आप क्या कहेंगे? जानते आपके लिए, जानते आपकी क्या प्रार्थना होगी? भजन संहिता 84:10, क्योंकि तेरे अंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है। क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन, मैं संसार में ताजमहल में रहूं, मुझे तू ऐसी जिंदगी दे जब सोना चांदी है, लेकिन तेरे तू अगर मेरी कोठरी में है तो वो एक दिन मेरे लिए उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे शरणों में, तेरे कदमों में, तेरी उपस्थिति में एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। प्रेज़ द लॉर्ड, जिस दिन आप उसके प्यार को समझेंगे मेरे भाई, आप उसकी उपस्थिति से निकलना नहीं चाहेंगे, आप निकलना नहीं चाहेंगे उसकी उपस्थिति से, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके लिए उसकी उपस्थिति सबसे बड़ा खजाना होगा। उसकी उपस्थिति मेरे लिए बहुमूल्य है। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में ही आपको जीवन मिलता है। हालेलुया, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक पसंद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है? इससे बेहतर कि मैं किसी देश का प्रधानमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, उससे अच्छा है कि मैं तेरे दरबार में तेरा चौकीदार बनूं। Praise the Lord, तेरा दरबान बन के खड़ा रहूं मैं, तेरा तुझे निहारता रहूं, बस मुझे तू इतना दे दे, मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, बस मैं हर पल तेरे दरबार में तुझे निहारता रहूं, तेरा दरबान बन के रहूं, तेरा वॉचमैन बन के रहूं मैं। Praise the Lord, क्यों? क्योंकि वो प्यार जो परमेश्वर का है वो हर उत्तम चीज से बड़ा है, हर उत्तम चीज से बड़ा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है कि कई नाजिर ऐसे हुए हैं जिन्होंने उसको नहीं पहचाना। न्यायियों की किताब 13:2-5, न्यायियों की किताब जजेस 13:2-5, एक परमेश्वर का चुना हुआ नाजिर था सैमसन। हालेलुया, शमशान उसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सैमसन बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, गर्भ से ही वो परमेश्वर का चुना हुआ था, क्योंकि इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ किया और पलिश्तियों को परमेश्वर ने इजरायलियों को पलिश्तियों को दे दिया। 40 साल तक पलिश्तियों ने इजराइल पर राज्य किया, लेकिन जब इजरायलियों की दुहाई सुनी परमेश्वर ने तो मनो देश के एक दंपत्ति को परमेश्वर ने चुना। हालेलुया, जो दानियों के वंश का था। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए बेटा। दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के वांछ होने के कारण कोई पुत्र ना था। प्रेज़ द लॉर्ड, दानियों के कुल का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दानी के कुल कौन है, कोई बताएगा मुझे? दानी का कुल कहां से आया? दान किसका बेटा था? याकूब का। उसकी माँ का नाम क्या था? उसकी माँ का नाम था बिल्हा। हालेलुया, जो कि राहेल की दासी थी। याकूब की माँ, याकूब की बीवी बिल्हा, बिल्हा से दान पैदा हुआ, और दान का मतलब होता है न्यायी। प्रेज़ द लॉर्ड,
तो जो दानियों के कुल का था मनो, वो दंपत्ति के पास परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी और उसके द्वारा इज़राइल को बचाने के लिए उसने कोख को खोला। सुनिए, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, वांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तुझे यूज करने जा रहा है परमेश्वर, सावधान। कलीसिया आने से पहले सावधान, परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले सावधान। आप परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं, आप कलीसिया आ रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं, सावधान। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, इसको खिलवाड़ मत समझिए, कभी भी खिलवाड़ मत समझिए कि परमेश्वर को खिलवाड़ मत समझिए, उसके वचनों को खिलवाड़ मत समझिए। मेरी बहन, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, ये याद रखिए, खिलवाड़ नहीं। हम किसी भी तरीके से आ जाएं चर्च में, हम कुछ भी कैसे भी बैठ जाएं चर्च में, कभी भी चर्च से निकल जाएं, कभी भी परमेश्वर को हम यूज कर लें, नहीं 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 नहीं। वो बोल रहा है सावधान, तेरे मैं बच्चा देने वाला हूं जो नाजिर होगा, लेकिन सावधान, अब तू संसार की नहीं है, अब तुझे परमेश्वर यूज करने जा रहा है। हालेलुया। हम कौन है? हमें परमेश्वर ने क्यों बचाया? क्योंकि हम परमेश्वर हमारे द्वारा अपना राज्य बढ़ा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें नया जीवन क्यों दिया? ताकि ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन उसका है। हेलो, ये जीवन किसका है? इसलिए वो बोल रहा है सावधान, तुम्हें परमेश्वर ने जीवन दिया है, सावधान, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इज़राइलियों की पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे चुनने का परमेश्वर का मकसद है। यूं ही नहीं चुन लिया परमेश्वर ने आपको, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए आपको चुन लिया परमेश्वर ने, नहीं, आपने बहुत अच्छे काम किए इसलिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आप उसकी कीमत को समझिए। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपकी बुद्धि खोली है, आपको वचन समझ में आने लगे, सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। कलीसिया आने से पहले सावधान होइए, जाने के बाद सावधानी से चलिए आप इस संसार में, क्योंकि वो आपका उपयोग करने वाला है। आप अगर सावधान नहीं होंगे तो आप उसकी योजनाओं को समझ नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे वो क्या कह रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे। हेलो, आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत जरूरी है आपको समझना। इसलिए परमेश्वर ने आपको नया किया, ताकि आप उसे समझें, वो क्या कह रहा है उसे समझें, उसके मन को समझें, उसके वचनों को समझें। सावधान, मैं तुझे बच्चा देने वाला हूं, वो नाजिर होगा। कोई नशा मत करना, किसी भी चीज का नशा मत करना मेरे भाई। नशा सिर्फ दारू का ही नहीं होता है, सिगरेट का ही नहीं होता है, ड्रग्स का ही नहीं होता है, नशा दौलत का भी होता है, नशा अपनी नौकरी का भी होता है, नशा अपनी ताकत का भी होता है। मैं बहुत ताकतवर हूं। यहां ये जो शमशोन था, इसको नशा हो गया था लड़की का, ये कमजोर था लड़कियों के लिए,
बाइबल कहती है कि गधे की एक हड्डी से इसने हजार मनुष्यों को मार दिया था, इतना ताकतवर था इससे। फलिश्ती से डरते थे, फलिश्ती इसके सामने नहीं आते थे, सेना के सेना इसके सामने नहीं आते थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? औरत, एक वैश्या उसके प्रेम के चक्कर में फंस गया, दलीला नाम था उसका। हालेलुया, 16:15-17 के बीच में, न्यायों की किताब 16:15-17, दलीला नाम की वैश्या थी, उसके प्रेम के चक्कर में फंस गया ये, और पलिश्तियों ने दलीला को उसका यूज किया और उसको पैसा दिया कि इससे पूछ इसकी शक्ति कहां है, इसकी ताकत कहां है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम समझते हैं कि आप समझते हैं कि आपके प्यार में ताकत है, आप समझते हैं कि आपका प्यार सबको जीत सकता है। हालेलुया, जो इंसान परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता वो इंसान किसी का नहीं है। शिमशोन दलीला पर फिदा था और दलीला उससे पूछती है, सुनिए 15-17 का क्या कहता है। तब दलीला ने उससे कहा तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, हाँ? फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? हाँ। तूने तीनों बार मुझसे छल किया, हाँ? और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। देखिए प्यार प्यार में औरतें क्या निकलवाती हैं। आप नहीं समझेंगे कि आपका आपकी कब्र खोदी जा रही है और वो प्यार का नाटक कर रही है। शमशान नहीं समझ पा रहा है कि उसके लिए कब्र खोदी जा रही है और वो कहती नहीं आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, अरे बता नहीं रहे हो आपकी शक्ति कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। आगे इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाक में दम आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी औरतों की बात ध्यान से सुननी चाहिए नहीं तो नाक में दम कर देंगी आपका। हालेलुया, इसे समझ के बात करो, औरतों से भी आपकी पत्नियों से समझ से बात करो। हालेलुया, ऐसा नाक में दम करेंगे कि आप हालत खराब हो जाएगी आपकी। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बोलता है कि उसने नाक में दम कर दिया पूछ पूछ के, बताओ ना आपको छुपा के देखी अपनी औरत से, बोली आज कोई मिला था लेकिन मैं आपको कल बताऊंगा। अब देखिए आप रात को सो पाए, सोने से पहले आपको बताना ही पड़ेगा कौन था वो। हालेलुया। अगला 17वां, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा। तब उसने सारा भेद खोल दिया क्योंकि वो जान ही नहीं पाया, उस षड्यंत्र में फंस गया वो। प्रेज द लॉर्ड। नशा, उसको नशा, क्या कहा था परमेश्वर, चेतावनी दी थी किसी नशे का आदि मत होना, कोई नशा तुम्हारे अंदर नहीं चढ़े। उसको औरत का नशा हो गया था, अपना भेद खोल दिया उसने, सारा भेद खोलकर उससे कहा कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है ताकि आप उसकी लड़ाई लड़े, ताकि आप उसके हथियार बने। शिमशोन को परमेश्वर ने अपना हथियार बनाया था ताकि पलिश्तियों से इज़राइल का छुटकारा हो सके, लेकिन नशा, कमजोरी। इसलिए मेरे भाई आपको जानना जरूरी है कि आप यीशु मसीह में कौन है। शिमशोन नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं, अगर वो जानता कि मैं परमेश्वर में कौन हूं, मैं एक हड्डी से हजार लोगों को मार सकता हूं, मैं कौन हूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति है क्यों है। कभी आपने सोचा कि मैं कौन हूं? कभी आपने सोचा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है? कभी आपने सोचा कि परमेश्वर ने मेरी आत्मा को जिंदा क्यों किया, मन को नया क्यों किया, अपनी आत्मा मुझे क्यों दी है, क्यों दिया मुझे, मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं? जिस दिन आप ये महसूस करेंगे, जिस दिन आप इस सच्चाई को जान जाएंगे कि मैं परमेश्वर में कौन हूं, उस दिन सारी कमजोरियां आपसे दूर हो जाएंगी, सारी कमजोरियां आपसे दूर हो जाएंगी।
आपका झूठ बोलना, आपका नकारना, आपका नशा करना, सारी चीजें आपसे दूर हो जाएंगी जिस दिन आप जानेंगे। उसे सब कुछ बताया। इसका 20वां देखो, 20वां। हालेलुया। तब उसने कहा, हे सिमसोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। जैसे ही उसने बताया कि मेरे सिर पर सारी ताकत है, क्या किया दलीला ने, उसको बेहोश किया, नशा दिया उसको, उसका उसको दारू पिलाई और वो सो गया। और सोकर क्या किया, उसने उसके बाल काट दिए, उसने उसके बाल काट दिए और रस्सी से बांध दिया। और फिलिस्तियों ने जो पैसा दिया था वो कहता है कि साहब अब उसने मारा, और उसने कहा हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तो वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की ना ही बाहर जाकर भटकूंगा। आप जब आज्ञाएं नहीं मानते हैं ना, आप सोचते हैं कि मैं वही हूं। आप जब आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खोया। लेकिन आप नहीं जानते कि परमेश्वर का बल आपसे निकल गया है। आदम ने क्या किया था, कौन सा पाप किया था? आज्ञा ना मानना। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा पाप था उसका? आदम आज्ञा ना पालना करना। उसने नहीं समझा, इसलिए वो समझ रहा था कि मैं वैसे ही हूं। लेकिन क्या वो वचन क्या कहते हैं, आगे बढ़िए, वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। आमीन। आप नहीं जानते, अगर आप आज्ञाओं में नहीं हैं, अगर आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अगर आप अपनी वैल्यू को जो परमेश्वर ने आपको दी है उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपके पास से चला जाता है। हालेलुया। उसको नहीं पता चला, लेकिन परमेश्वर चला गया। और क्या किया फिलिस्तियों ने, 21 का, इसी का 21 पर पढ़िए, 21वां। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जा ले पीतल की बेड़ियों के जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। यही तो शैतान चाहता है। सोचिए शिमशोन को परमेश्वर ने क्या दिया था। प्रेज द लॉर्ड। इतना ताकत, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था वह मां के गर्भ से, लेकिन उसके नशे की हालत ने, उसकी कमजोरी की वजह से आज वो अंधा हो गया। क्या चाहता है शैतान? शैतान आपको क्यों बहलाता है, क्यों बख्शता है कि आप आज्ञाएं ना माने? क्योंकि आपको शैतान खत्म करना चाहता है। आपको उकसाएगा, अरे यार दो बार आज्ञा नहीं मानी तो क्या होगा, परमेश्वर बहुत दयालु है यार। नहीं, हमें आज्ञा पर चलना है। अगर हमें आज्ञा पे नहीं चले, अगर परमेश्वर हमसे दूर हो गया तो शैतान हमें खत्म कर देगा। वो शिमशोन, जो अकेला शिमशोन फिलिस्तियों के लिए भारी था, उसको सबसे पहले उन्होंने अंधा किया। प्रेज द लॉर्ड। अंधा किया और बंदी गृह में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि शिमशोन ने परमेश्वर की कीमत को नहीं समझा। शिमशोन ने नहीं जाना कि वो कौन है, उसके अंदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। इसलिए मेरे भाई आपको जानना है कि आप कौन है, आप यीशु मसीह में कौन है, आपके अंदर कौन सा सामर्थ्य है, कौन सी ताकत है आपके अंदर। आप इंसान, आम इंसान नहीं है, आप आम इंसान नहीं है, आप परमेश्वर में कौन है। प्रेज द लॉर्ड। जोब जान गया था, अय्यूब जान गया था कि मैं परमेश्वर में कौन हूं। उसका सब कुछ चला गया, लेकिन वो क्या कहता है कि जब वो मुझे परखेगा तो मुझे सोने की तरह पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब 23:10, जोब 23:10, जब वो मुझे परखेगा तो मुझे सोने की तरह पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर में कौन है। इतनी तकलीफें आई उसके पास, उसका सारा कुछ, जानवर चले गए, उसका पैसा चला गया, उसके बच्चे चले गए, उसके पूरा शरीर फोड़े फोड़े हो गया, वो राजा था, वो रंक बन गया, सब कुछ उसका चला गया, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, परंतु जानता है कि मैं किसी कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन।
वो जानता है परमेश्वर की, परमेश्वर जानता है कि मैं कौन हूं। उसने दोष नहीं लगाया कि जब वो मुझे परखेगा तो मैं सोने की तरह निकलूंगा। हालेलुया। हमें भी इसी तरीके से अपने आप को पहचानना है कि हम कौन है यीशु मसीह में। पौलुस जान गया था, पौलुस जान गया था, इसलिए वो कहता है गलतियों 2:20 Galatians 2:20 पौलुस जान गया था इसलिए गलतियों के 20 के कि मैं कौन हूं। वो जान गया था कि मैं कौन हूं। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, समझने की कोशिश करिए कि मैं कौन हूं। पढ़ो। हाँ पढ़िए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कहता है, मैं जीवित नहीं रहा, मैं मर गया हूँ, मैं संसार के लिए मर गया हूँ। हालेलुया। क्रूसियों 3:3 का कहता है वो मर गया है। वो कह रहा है मैं जीवित नहीं रहा आगे, पर मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। मैं मर गया हूँ लेकिन मुझ में मसीह जीवित है। जब आप मसीह को लेकर चलेंगे अपने साथ, जब आप मसीह के जीवन के साथ जिएंगे, जब आप मसीह की जिंदगी को अपने अंदर लेकर चलेंगे ना, आप परमेश्वर के सामर्थ के साथ अपने जीवन को चलेंगे। अब जिंदा नहीं हूं मैं, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। और मैं शरीर में अब भी जीवित हूं। एक मिनट, इसी का 6:14 गलतियों 6:14 मैं मर गया हूं लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। तभी तो परमेश्वर में छुपा हुआ जीवन उसने पाया, तभी पौलुस ने वो जीवन पाया जो परमेश्वर के अंदर छिपा हुआ था उसका। इसलिए वो क्या कहता है 6:14 में, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं गर्व करता हूँ अपने जीवन पर नहीं, मैं गर्व करता हूँ अपने पैसे पर नहीं, मैं गर्व करता हूँ अपनी नौकरी पर नहीं, मैं गर्व करता हूँ उस क्रूस पर। हालेलुया। मेरा गर्व उस क्रूस पर है क्योंकि उस क्रूस पर मैं चढ़ाया गया था, वहीं से मुझे आजादी मिली है, वहीं से मुझे नया जीवन मिला है, वहीं से मुझे शक्ति मिली है, वहीं से मुझे सामर्थ मिला है, वहीं से मुझे प्रभु मिला है। मैं गर्व करता हूं उस क्रूस पर। मैं अपने जीवन पर गर्व नहीं करता, मैं अपने शक्ल पर गर्व नहीं करता, अपने कपड़ों पर गर्व नहीं करता, अपनी नौकरी पर गर्व नहीं करता, अपने धंधे पर गर्व नहीं करता, मैं गर्व करता हूं क्रूस पर। उस क्रूस के द्वारा मैं बचाया गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमें घमंड करना है तो क्रूस पर, क्योंकि वही जीवन हमें परमेश्वर तक लेकर जाएगा। और कोई नहीं है भाई, कोई दूसरा जीवन नहीं है, कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है। यीशु मसीह कोई धर्म लेकर नहीं आया। यीशु मसीह ने कोई नहीं कहा कि ये धर्म अपनाओ। यीशु मसीह कहता है दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यीशु ने अपना जीवन दिया है आपके लिए। यीशु कुछ नहीं चाहता आपसे, यीशु चाहता है जो जीवन मैंने तुम्हें दिया है उस जीवन को पालो, ताकि तुम उस परमेश्वर तक पहुंच सको, क्योंकि वो परमेश्वर महापवित्र है और हम पापी थे, हम परमेश्वर के योग्य नहीं थे। वो महापवित्र है, क्या मत हम उस तक जा सकते नहीं। जब तक हमारा पाप हम में से ना निकले तब तक हम उसके योग्य नहीं बन सकते, और पूरी दुनिया पाप से है, पाप में है। लोग गाय बैल मुर्गा बकरा काट कर अपने आप को शुद्ध करते हैं। जो कोई भी जानवर शुद्ध नहीं है, और कोई भी जानवर अपनी इच्छा से बलिदान नहीं करता। उसने क्या कहा है, बलिदान अपनी इच्छा से
मरने वाला, इसलिए यीशु अपनी इच्छा से हमारे लिए मरा। जब हम यीशु मसीह के क्रूस पर, उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, तब हम शुद्ध होते हैं, तब हम पवित्र होते हैं और तब हम परमेश्वर के योग्य बनते हैं। और कोई रास्ता नहीं है ब्रदर, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है मोक्ष का। मुक्ति का एक नाम है और वो है यीशु मसीह। कोई दूसरा नाम इस धरती पर नहीं है जो आपको मोक्ष दे सके, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको मोक्ष दे सके। यीशु मसीह मरा इसलिए ताकि आम उसके लहू से शुद्ध हो सकें और पवित्र हो सकें और परमेश्वर के योग्य बन सकें। इसलिए उस शक्ति को, उस पवित्रता को पहचानिए और उसको अपने अंदर सदा बना के रखिए। हालेलुया, सदा ये कोशिश करिए कि वो चीज ना निकले, वो शक्ति, वो आपकी पहचान। बोलिए, मेरी पहचान, मेरी पहचान यीशु है, मेरी पहचान यीशु है। उस यीशु को कभी मत अंदर से जाने दीजिए। मैं उसके द्वारा पहचाना जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में अगर मेरी पहचान है तो वो है यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम यीशु मसीह में कौन हैं, इसको कभी मत भूलिए। उस पवित्रता, उस निष्कलंकता, उस निर्दोषता को हमेशा अपने अंदर शक्ति के रूप में बना के रखिए, क्योंकि वो ही आपकी है और कोई आपका नहीं है। तब परमेश्वर के प्रेम को आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमने ग्रहण किया, आशीष पाया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, यीशु मसीह की।